मुझे कंपनी का है तो सबसे आगे गए। हमें ये भी ध्यान रखना है सर इस बात की नीचे क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी हमारे लिए राष्ट्रीय हुई है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखें उसके बाद सर ये सब की जाएगी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन को रिसर्च करेंगे एंड देन इसी को देखते हुए यहाँ पर उनका जो फर्स्ट एड है और पूरा इलाज यहाँ पर दिया गया एमरजेंसी में। हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो अंगूठे का जो नाखून उखड़ा है उसको वहीं पर ही इसका स्टिच करके उसको जोड़ा गया है, साथ में उसको पट्टी की गई है, साथ में जो दूसरे पैर में जो बायां पैर है उसके जो उसका जो अंगूठा है उसके में फ्रैक्चर है तो उसको हमने डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने जो हमारे ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है उन्होंने इसके ऊपर प्लास्टर किया है और ये हिदायत दी गई मुख्यमंत्री को कि अगले कुछ दिनों के लिए सख्त हिदायत दी गई कि मूवमेंट ना किया जाए। कितने दिन सर? कितने दिन का सर बैठ रहा? अभी कम से कम ये जो है जो बाएं पैर में हमको स्लैब बांधा गया है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अभी राय दी है कि 7 दिन बाद एक बार देखेंगे कैसी थी उसके बाद डिसाइड। 7 दिन का सर ना? कम से कम 7 दिन बाद देखेंगे फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, धन्यवाद। नीचे कारपेट होता है उसमें पैर हो गया जिससे नाखून में चोट लगी और हेमरेज जो है पीछे साइड का जो पैर उसमें भी राइट में तो लगी है नाखून नाखून उतर गया और राइट साइड में जो है उसमें लेफ्ट साइड वाले में उनके हेयरलाइन फ्रैक्चर है इसलिए दोनों जो बाया होता है उन्होंने इलाज कराए थे दवाई की है और जो भी फ्रैक्चर है तो रेस्ट कर देखिए जैसा जैसा इनकी रिपोर्ट आएगी डॉक्टर्स का काम है बट जब फ्रैक्चर है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी रेस्ट कर दोनों पैर में चोट है दोनों पैरों में चोट है एक जो नाखून था वो एक तरीके से पूरा निकल गया उसको वापस परीक्षण किया गया है एक में फ्रैक्चर है एक में नाखून दोनों पैरों में। आप कैसे जानते हैं? गाड़ियाँ भगी मेरा ड्राइवर खड़ा था गेट मेरा अक्सर खुला रहता है तो खुला था भोपाल एजेंसी के ड्राइवर ने अचानक मैं अंदर कपड़े बदल रहा था इवनिंग वॉकिंग भागकर के अंदर गया एकदम सी एम खान की गाड़ी बहुत तेज़ी से गई है और जो पुलिस की गाड़ियाँ स्पोर्ट्स की गाड़ियाँ वो भी पीछे जा रही हैं मैं की आगे तो चिंता का विषय था। मैं कपड़े बदल गया और रवाना हुआ फोन की सी गाड़ियों ने कहा कि भजन लाल जी चूँकि सी एम आर में ही थे इसलिए वो भी बाहर ही खड़े थे तो वो भी साथ से आपकी बात हुई है सारे नहीं नहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है बट रेस्ट करना पड़ेगा। किस जगह पे दोनों पैरों में एक पैर में जो है वो राइट वाले पैर में शायद उनके अंगूठे की चोट है और लेफ्ट वाले पैर में कार्यक्रम में कैबिनेट मीटिंग के बारे में मैं नहीं कह सकता वही अधिकारी है बट जो हमारा सालासर वाला जो कार्यक्रम था पहले भी हमारा 50-50 था चुनाव हम लोग दिल्ली चले गए थे 50-50 था बट अब तो वो टेंशन ही है उसमें कोई दौरा नहीं। ठीक है, थैंक यू। दोनों पैरों में सर बता रहे हैं चोट? दोनों पैरों में चोट सर? दोनों पैरों में चोट आई जी? मतलब क्या मतलब ले जो भी है चोट सर अभी तो बैंडेज बांध दिया उन्होंने अभी तो रेस्ट करना होगा सर। हाँ रेस्ट करना। ठीक है ठीक। अच्छा लेकिन ये रेस्ट करने वाले जीवी नहीं है। हाँ। ये तो वहाँ चाहे बैठे बैठे भी करते रहेंगे लेकिन काम करते रहेंगे कुछ तो कुछ करते ही रहेंगे बीसी या और हो सकता है कल तो कैबिनेट रहेगी इसका मतलब कैबिनेट कल हो सकती है फिर लोड बहुत है और फिर इतनी मेहनत करते हैं किसी कोई इंसान नहीं है। कल मीटिंग होगा कैबिनेट होगी सर? कैबिनेट का क्या रहेगा सर? पोस्टपोन होगी कल नहीं होगी। दिल्ली वगैरह नहीं जा पाएंगे अभी? नहीं जा दिल्ली तो नहीं जा पाएंगे सर। दिल्ली तो नहीं जा पाएगा मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली का प्रोग्राम है कि नहीं मुझे बताइए। ठीक है सर, थैंक यू सर।